तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का पांचवा मैच और टूर्नामेंट का 20वां मैच जो कि खेला जाएगा काजीरंगा रिनोज वर्सेज तडोबा टाइगर्स के बीच में। तो दोनों ही टीम्स यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंग और दोनों ही टीम्स भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही टीम्स अपने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करके आ रही है। अब बात करेंगे भाई दोनों ही टीम्स के इस मैच की प्रिडिक्शन की कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, कौन सी टीम यहां पर बाजी मार सकती है और कौन सी टीम के कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, समय काफी कम बचा हुआ मैच स्टार्ट होने में। जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट एक घंटे से भी कम का टाइम बचा होगा। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले आपको जो काम करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। ऑलमोस्ट 6000 मेंबर वहां पर होने वाले, 5.9 के अभी हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप ज्वाइन करोगे तो भाई 6000 वहाँ पर जल्द ही होने वाले। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना इस मैच की वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई बात करें काजीरंगा रेनोज की, जो अपना लास्ट मैच एक तरफा विन करके आ रहे हैं मुगल मैवरिक्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो प्रतीक दहिया जो हमारे कैप्टन थे, एक तरफा विनिंग भाई हमारी करवाई है, बिल्कुल जो एक तरफा बोलते हैं ना, 28 पॉइंट इन्होंने निकाले। इसके अलावा 28 पॉइंट के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज थी, 3 टैकल पॉइंट। मतलब कोई डिफेंडर अगर एक मैच में 3 टैकल पॉइंट निकाल लेते हैं तो ये मान लीजिए कि उसका मैच काफी बेहतरीन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रतीक दहिया ने 24 रेड टच पॉइंट के बाद भाई ये 3 टैकल पॉइंट निकाले, लगातार भाई जैकपॉट परफॉर्मेंस दे रहा और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, हर हाल में आपकी टीम में होना चाहिए। सागर रमेश की बात करेंगे, 6 टच पॉइंट इन्होंने निकाले। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर नीचे आकर, 7 पॉइंट जो निकाले साहिल कुमार ने, इन्होंने भाई यहाँ पर 7 के 7 टच पॉइंट निकाले। इसके अलावा थोड़ा सा और आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर जो हरदीप रणबीर है, 4 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाले। और टैकल पॉइंट भाई ये टच पॉइंट नहीं है, चीज़ ध्यान में रखिएगा, और टैकल पॉइंट बहुत मुश्किल से निकलते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें मोनू हुड्डा, इस मैच में थोड़ी सी एवरेज परफॉर्मेंस आई है, अदरवाइज भाई लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे हर हाल में आपकी टीम में मेरे हिसाब से होने चाहिए। इसके अलावा नीचे अगर आप चलो तो भाई मोहित कुलदीप ने भी यहाँ पर 2 टैकल किए थे, और मतलब 4 में से 2 टैकल इन्होंने यहाँ पर अपने कंप्लीट किए थे। तो यहाँ से अगर बात करें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो वो एक बार मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो देखिए भाई आपके लिए प्रतीक दहिया मस्ट हैव रहेंगे, मोनू हुड्डा मस्ट हैव रहेंगे, हरदीप रणवीर मस्ट हैव रहेंगे, 3 प्लेयर तो आपके लिए बिल्कुल 100% रहेंगे। अब साहिल कुमार सागर रमेश में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो, और सागर सेतपाल इसको बिल्कुल मत भूल जाना भाई, बहुत ही गजब का प्लेयर है, और जब ये परफॉर्मेंस देने पर आता है ना, एक तरफा विनिंग करवाता है। अगर स्मॉल लीग में ड्रॉप भी कर रहे हैं तो जीएल में आप इसे एक सीधा कैप्टन लेके जाना, बहुत ही गजब का डिफेंडर है, बहुत ही ज़्यादा गजब का, ठीक है। तो इसे आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर बात करते हैं जो सामने वाली टीम है तडोबा टाइगर्स की, तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो तडोबा टाइगर्स अपना लास्ट मैच विन करके आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मोहित जयपाल, इन्होंने भाई 4 टैकल मारे और काफी बेहतरीन टैकल मारे, और एक तरफा टीम अपनी टीम को मतलब स्टार्टिंग में लीड में दे दिया, लेकिन बाद में भाई इन्होंने लीड थोड़ी अपनी खो दी थी। विनय राजेश की बात करेंगे तो 6 पॉइंट इन्होंने निकाले, यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने भाई काफ़ी अच्छे टैकल इन्होंने किए। वहीं अगर बात करें, देखिए मैंने जो लास्ट मैच इनका हुआ था मैंने तब भी बताया था कि इनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अनुज कुमार की बात करें तो भाई इन्होंने रेडिंग में काफ़ी कमाल किया, 6 टच पॉइंट इन्होंने रेडिंग में निकाले। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें करमवीर ठाकुर की, तो पूरी तरीके से फ्लोप रहे हैं, ठीक है, पूरी के पूरे तरीके से फ्लोप रहे हैं। इसके अलावा नीतू की बात करेंगे तो भाई नीतू ने भी यहाँ पर 4 टैकल निकाले, और यहाँ पर देखिए भाई मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, इनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सचिन जांगर की बात करें तो भाई 9 टच पॉइंट इन्होंने निकाले 13 रेड में, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा नीचे अगर आप बात करो रौनक आर्या, अगेन भाई यहाँ पर 2 टैकल के पॉइंट इन्होंने निकाले, ठीक है। तो भाई मतलब जितने सामने वाली टीम रेटिंग करती है उतने तो भाई ये टैकल में पॉइंट लेके जाते हैं, इतनी खतरनाक डिफेंस के साथ उतरते हैं। और यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो भाई विनय राजेश मोहित जयपाल दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से भाई अनुज कुमार और सचिन जांगिर में से आप किसी एक के साथ जा सकते हो, वो आपको डिपेंड करना है, या फिर भाई आप यहाँ से इन दोनों को भी ड्रॉप करके और तीनों आप इनके डिफेंडर लेके जा सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तीन डिफेंडर कौन कौन हो गए भाई, मोहित जयपाल हो गया, विनय राजेश हो गया और यासीन नीतू हो गया, या फिर अगर आप चाहो तो नीतू की जगह पर इनमें से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर डेमो टीम की। अगेन मैं आपको बता दूँ, डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले भाई बात करें काजीरंगा रेनोस्ट की टीम की, तो मोनू हुड्डा मास्टर पिक रहेंगे, एस रणबीर को मैं अपनी टीम में अभी के लिए रख रहा हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो प्रतीक दहिया मस्ट पिक, इवन कैप्टनसी के सबसे बढ़िया और बेहतरीन चॉइस हमारे लिए रहने वाले, ठीक है। प्रतीक दहिया हमारी टीम में रहेगा। एस सेतपाल की बात करें, लास्ट मैच बहुत खराब गया है, ठीक है, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे स्मॉल लीग में नहीं तो जीएल में जरूर से जरूर अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ से, आप एस रमेश को अपनी टीम में ले सकते हैं, जो लास्ट मैच में भाई ठीक ठाक परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो आप इसे भी अपनी टीम में लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की टीम अभी के लिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब अगर बात करें जो सामने वाली टीम है तड़ोबा टाइगर्स की, तो यहाँ से भाई आपके लिए डिफेंडर काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। यहां से अगर बात करें तो विनय राजेश मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में हम चलेंगे, यहां से भाई एम जयपाल आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। दोनों के दोनों मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बंदे ने। इसके अलावा भाई अब यहां पर आपके पास सिर्फ 12 क्रेडिट बचे, और 12 क्रेडिट में भाई आपको कोई भी अच्छा प्लेयर यहां पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप दोनों टीम्स के प्लेयर देखते हैं भाई यहां पर, एक मिनट भाई, यहाँ पर आप दोनों टीम्स के प्लेयर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई हमें अच्छा प्लेयर मिल सकता है, ए रावल को आप ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पर कोई अच्छा प्लेयर मेरे को दिखा नहीं। यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए यहाँ पर भी भाई कोई ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से अगर बात करें, तो भाई सचिन जहांगीर को आप मतलब मैंने ड्रॉप किया, बट इसे ड्रॉप करना रिस्की रहेगा। तो अगर हम इसे पिक करते हैं तो क्या ही कैसे ही पिक करेंगे भाई, यहाँ पर हाई क्रेडिट इशू आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विजन 11 एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और उसी मतलब विजन 11 पर ही आप इस मैच में अपनी इन्वेस्टमेंट करना। रीजन क्या है, आप जाके अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। तो रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर क्रेडिट इशू आपको नहीं आएगा। तो चलिए एक बार भाई मैं यहां पर अभी टीम को पोज कर रहा हूं, फाइनल टीम में आपको एक बार विजन 11 पर बनाकर दिखाता हूं। तो यहाँ पर भाई बात करेंगे अब टीम की, तो यहाँ पर भाई देखिए, अगर अब आपको हाई क्रेडिट दिख भी रहे होंगे ना, तो ये भाई क्रेडिट कम हो जाएंगे जब मैच का टाइम क्लोज आएगा, ठीक है। शाम तक मतलब रात को मैच से पहले ये क्रेडिट कम आपके हो जाएंगे। ऐसे मोनू हुड्डा, रणबीर को अभी के लिए मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। यहाँ से अगर आप चाहो तो वी राजेश को अपनी टीम में जरूर से ट्राई कर सकते हो, गजब का प्लेयर, 100% आपकी टीम में होना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलिए, और यहाँ पर भाई आप कापी का भाई नीतू को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नीतू आपको थोड़े से क्रेडिट मैनेज करके दे देगा। इसके अलावा यहाँ पर भाई प्रतीक दहिया मस्ट पिक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 100% हमारी टीम में रहेगा। यहाँ से एस सेतपाल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। अब बात करेंगे भाई यहाँ से रेडिंग सेक्शन की, यहाँ से भाई आपके लिए दो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो भाई यहाँ से एस जहांगीर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक नीचे भाई यहाँ से एस रमेश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये दोनों प्लेयर आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप फिर भी यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर एक कुमार को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ट्राई करते हो या नहीं करते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं। मेरी टीम कुछ इस प्रकार रहेगी। सीवीसी की यहां से बात कर लेते हैं, तो कैप्टन भाई प्रतीक दहिया नो डाउट, ठीक है। वीसी की बात करें तो मोनू हुड्डा के साथ में जा रहा हूं, या फिर आप यहां से जहांगीर के साथ जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं मोनू हुड्डा को प्रीफर कर रहा हूं, ठीक है। तो टीम की अगर बात करें तो यहां पर मैं आपको टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार की टीम हमारी रहने वाली है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, इसी टीम के साथ मैं जाने वाला हूं। बाकी अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरी फाइनल टीम यही होने वाली है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। विजन 11 ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इस मैच की जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जिसके साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।